मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दखल न्यूज को पत्र लिखकर कहा है कि कोरोना की दूसरी लहर के समय भी दखल न्यूज अपनी रचनात्मक भूमिका अदा कर लोगों को जागरूक करता रहेगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दखल न्यूज के मुख्य संपादक अनुराग उपाध्याय को पत्र लिखकर कहा कि बीते एक वर्ष में कोरोना के कहर ने संपूर्ण समाज को संकट में डाल दिया है। हमने प्राथमिकता से रोगियों की जाँच, उनके उपचार और उन्हें कोरोना वायरस से बचाने के भरसक प्रयास किए। जन सहयोग से कोरोना को नियंत्रित किया। कोरोना योद्धाओं ने अपना बलिदान दिया। जनता को जागरूक बनाने में मीडिया ने महती भूमिका निभाई। इस तरह से सामाजिक महत्व के अभियान में जन माध्यमों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। राज्य सरकार और जनता के प्रयासों से गत एक वर्ष में कोरोना संक्रमण का सिलसिला थमा। धीरे धीरे आर्थिक गतिविधियों में तेजी आने लगी। हम अभी पूरी तरह समझ भी नहीं पाए थे कि संक्रमण की दूसरी लहर आ पहुंची है। ऐसे मुश्किल दौर में हम सभी का प्राथमिक कर्तव्य एक बार फिर संपूर्ण मानव समाज की रक्षा करना है। कोरोना के विरुद्ध सामाजिक संगठनों, सरकारों और नागरिकों ने जिस तरह मिलकर लड़ाई लड़ी वह सराहनीय है। आज की परिस्थितियों में भी ये जरूरी हो गया है कि इस संक्रमण से बचाव के लिए पूरी सजगता बरतते हुए सभी लोगों को स्वास्थ्य रक्षा के लिए प्रेरित किया जाए, उनमें जागरूकता बढ़ाई जाए। अपने पत्र में मुख्यमंत्री चौहान ने कहा है कि जन जागरूकता के लिए मेरा मास्क मेरी सुरक्षा अभियान का संचालन किया जा रहा है। प्रदेश में वैक्सीनेशन कार्य भी निरंतर चल रहा है। आम जन को वायरस से बचाव के लिए सभी उपाय अपनाने की जानकारी और समझाइश लगातार दी जा रही है। दवाई भी और कड़ाई भी के कथन के अनुरूप प्रत्येक स्तर पर कार्य हो रहा है। त्यौहार परिवार के स्तर पर ही मनाने का अनुरोध किया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दखल न्यूज़ को लिखे पत्र में कहा है कि आपके संस्थान ने भी बीते एक वर्ष में लोगों को जागरूक करने और संक्रमण से बचाने में महत्वपूर्ण सहयोग दिया। मुझे पूरा विश्वास है वर्तमान आवश्यकता के अनुरूप आप पुनः ऐसी रचनात्मक भूमिका को निभाने के लिए तत्पर रहेंगे। आपके पूर्व में किए गए प्रयासों को नमन करते हुए आशा करता हूं कि हम सम्मिलित प्रयासों से शीघ्र ही कोरोना वायरस को पूर्ण रूप से परास्त कर देंगे। मीडिया के मित्रों से अब लोगों को कोरोना से बचाव के लिए फिर से जागरूक करने की मैं अपील करता हूँ। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।